नमस्कार जनप्रभा सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक उपचुनाव की 15 सीटों पर वोटों की गिनती जारी। सरकार को बहुमत हासिल करने के लिए 6 सीटें जीतना जरूरी। वोटों की गिनती से पहले सीएम येदियुरप्पा ने मंदिर में की पूजा अर्चना। कर्नाटक उपचुनाव के रुझानों में भाजपा 9 सीटों पर आगे। भाजपा के पास एक निर्दलीय समेत 105 विधायकों का समर्थन। कांग्रेस के 66 और जेडीएस के हैं 34 विधायक। लोकसभा में आज पेश होगा नागरिकता संशोधन विधेयक। भाजपा और कांग्रेस समेत कई दलों ने जारी किए व्हिप। नागरिकता संशोधन विधेयक का समर्थन करेगी शिवसेना। पारित होते ही बदल जाएगा 6 दशक पुराना कानून। संसद में नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करेगी कांग्रेस। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर तय हुई रणनीति। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए झारखंड दौरे पर पीएम मोदी। आज बरही और बोकारो में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। पुणे में पीएम मोदी ने पुलिस सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, ऐसे काम करें कि महिलाएं खुद को समझे सुरक्षित। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक आज। 218 नए न्यायालयों की स्थापना को मिल सकती है मंजूरी। लखनऊ सहित कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की मिलेगी सौगात। जेवर एयरपोर्ट बलिया लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना पर लगेगी मुहर। निर्भया मामले के दोषियों को जल्द हो सकती है फांसी। जल्लाद की तलाश में जुटा तिहाड़ जेल प्रशासन। दिल्ली अग्निकांड की इमारत का मालिक और मैनेजर गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। दिल्ली की अनाज मंडी में उसी इमारत में फिर लगी आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। योगी सरकार के मंत्री सुनील भराला का विवादित बयान। का कम से कम 3 बच्चों को पैदा करे हिंदू समाज। उन्नाव पीड़िता की मौत के बाद एक्शन में आई योगी सरकार। थाना प्रभारी सहित 6 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। का लगता है कि दुराचार मामलों की विशेषज्ञ हो गई है सरकार। हैदराबाद कांड के आरोपियों के एनकाउंटर की होगी जांच। तेलंगाना सरकार ने गठित की एसआईटी। गिरती अर्थव्यवस्था पर पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने जताई चिंता। का सभी शक्तियां पीएमओ के अधीन होना ठीक नहीं। 22 साल बाद फिर चलेगी लाहौर और बागा के बीच ट्रेन। 14 दिसंबर से होगी शुरुआत। 181 यात्री कर सकेंगे सफर। चीन की चालाकी से निपटने के लिए भारत ने बनाई रणनीति। म्यांमार को सौंपेगा सबमरीन INS सिंधुवीर। झारखंड में महंगे प्याज के सवाल पर उल्टे पैर चलने लगी स्मृति ईरानी। सवाल का जवाब दिए बगैर हेलीकॉप्टर में बैठ गई मंत्री। 73 साल की हुई सोनिया गांधी को पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी बधाई। प्रधानमंत्री ने की अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना। महिलाओं को रात में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देगी सिक्किम पुलिस। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों को देखकर सरकार ने उठाया कदम। रविशंकर प्रसाद ने पटना के उप डाकघर का किया उद्घाटन। बोले, बिहार के 261 डाकघरों में गंगा जल की सेवाएं भी उपलब्ध। हैदराबाद की घटना पर बोले उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। का न्याय तुरंत नहीं हो सकता, लेकिन देरी से बिगड़ सकते हैं हालात। UPSTF ने कल हुई CTET परीक्षा सॉल्वर गैंग का किया भंडाफोड़। पुलिस ने 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरियाणा सरकार ने ग्रुप डी के 3,412 कर्मियों के विभागों में किया बदलाव। सीएम खट्टर ने कर्मचारियों को स्वेच्छा से पद बदलने का दिया था अवसर। अमेरिकी संसद में कश्मीर के प्रस्ताव पर राजनीति हुई तेज। कांग्रेस के शशि थरूर ने की तारीफ तो भाजपा ने किया विरोध। नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर असम के सीएम ने की अपील। बोले, राज्य विरोधी आंदोलनों में शामिल ना हो युवा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नागालैंड के सीएम के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। बोले, सरकार ने पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर को दी सर्वोच्च प्राथमिकता। पूर्व सीएम फडणवीस की पत्नी अमृता ने शिवसेना को बताया पाखंडी। पलटवार करते हुए प्रियंका बोली, अमृता को झूठ बोलने की बीमारी। एनकाउंटर मामले में साध्वी प्राची ने मेनका गांधी पर साधा निशाना। बोली, वे जानवरों से प्रेम करती हैं, तभी जानवरों को बचाने में लगी। सुपर 30 के आनंद कुमार को अमेरिका जाने का मिला न्योता। अमेरिका के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। भारतीय एयरटेल कंपनी बन सकती है विदेशी। 4,900 करोड़ रुपए की FDI के लिए कंपनी ने लगाई अर्जी। फडणवीस और अजीत पवार की फिर हुई मुलाकात। शादी समारोह में दोनों के बीच 20 मिनट तक चली वार्ता। छेड़छाड़ से परेशान युवती ने सीएम गहलोत से लगाई गुहार। बोली, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, सीएम साहब बचा लीजिए। अमेरिका के वॉशिंगटन में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने आतंकी राज पाकिस्तान के लगाए नारे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया को दी चेतावनी। बोले, अपनी शत्रुतापूर्ण हरकत से सब कुछ गंवा सकते हैं किम जोंग उन। 2022 के मुंबई नगर निकाय का चुनाव अकेले लड़ेगी भाजपा। शिवसेना से गठबंधन टूटने के बाद पार्टी ने लिया अहम फैसला। अगले साल जून में शुरू होगा सूरत में मेट्रो मार्ग का निर्माण कार्य। सीएम विजय रूपाणी बोले, 4 साल में बनकर हो जाएगा तैयार। आज भी दिल्ली NCR में अत्यंत खराब श्रेणी में रहेगी वायु गुणवत्ता। सर्द मौसम और शांत हवाओं के चलते मौसम विभाग ने जताई संभावना। उत्तर भारत में शीतलहर का जारी है प्रकोप। श्रीनगर में आंशिक रूप से बर्फबारी से जमी डल झील। 9 से 14 दिसंबर तक चलेगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 6 बैठकें की गई निर्धारित। 12 दिसंबर होगा कामकाज का दिन।
रविशंकर प्रसाद सभी राज्यों के चीफ जस्टिस और मुख्यमंत्रियों को लिखेंगे पत्र। महिला अपराधों और पॉक्सो के मामलों में 2 महीने में पूरी होनी चाहिए जांच। कांग्रेसियों ने शिवराज सिंह चौहान के आवास पर किया प्रदर्शन। सीएम कमलनाथ के लिए कथित तौर पर अमर्यादित भाषा पर जताया विरोध। तिरुवनंतपुरम के दूसरे T20 में 8 विकेट से जीता वेस्ट इंडीज। भारत को हराकर सीरीज में की 1-1 से बराबरी। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला। भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर बनाए 170 रन। शिवम दुबे ने खेली 30 गेंदों में 54 रन की शानदार पारी। ऋषभ पंत ने 33 और विराट कोहली ने बनाए 19 रन। जवाब में वेस्ट इंडीज ने 9 गेंद शेष रहते ही हासिल किया लक्ष्य। ओपनर लिंडल सिमंस ने खेली नाबाद 67 रन की पारी। मैच का टर्निंग पॉइंट बना भुवनेश्वर कुमार का ओवर। भारतीय फील्डरों ने 1 ओवर में 2-2 कैच टपकाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।